किया गया। तो मैं बताऊँ, ये पूरी पूरी कॉरपोरेशन की जाती है। कॉरपोरेशन ने मुस्लिम मोमिनपुरा जो एरिया है उनको ये कमर्शियल एरिया तो बताया जाए, कोर्ट केसेस वगैरह भी किए लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। मोमिनपुरे में तनाव, मोमिनपुरे में 94 साल पुरानी मुस्लिम लाइब्रेरी को नागपुर महानगर पालिका ने किया सील। नागपुर महानगर पालिका का एक खतरनाक तुगलकी फैसला, 94 साल से मुसलमानों और सभी समाजों के काम आने वाली मुस्लिम लाइब्रेरी को नागपुर महानगर पालिका ने लगाया ताला। आइए जानते हैं विरोध करने वाले और आंदोलनकारी यहाँ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मकसद क्या है और मुस्लिम लाइब्रेरी को क्यों सील किया गया। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि मुस्लिम लाइब्रेरी को जो सील किया गया उसके उन्होंने मुस्लिम लाइब्रेरी को NMC ने जो सील किया, मैं बीच में इंटरव्यू रुक गया था। जैसे आपने सवाल किया कि इन्हें क्यों किया, तो मैं बताऊँ, ये पूरी पूरी कॉरपोरेशन की जाती है। कॉरपोरेशन ने मुस्लिम मोमिनपुरा जो एरिया है उनको ये कमर्शियल एरिया में वो कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र उन्होंने एक इमारत जो 13,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो मुस्लिम लाइब्रेरी की है, सबसे पहले उन्होंने इसकी लीज रिन्यूअल नहीं किया, धीरे धीरे करते हुए उसकी लीज के, लेकिन लीज के पैसे उन्होंने लिया 2023 तक, लेकिन लीज रिन्यूअल करके नहीं दी, और पैसे बराबर उन्होंने लिया, उसके बावजूद उन्होंने इसको सील किया जो कि बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए कानून, हम आज ये चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी हमें वापस मिले। दूसरे, हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपका ये सवाल है। आपको मालूम है इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा इलाका हमारे समाज के पास, हमारे कौम के पास, पूरे मध्य नागपुर, क्या पूरे नागपुर में नहीं है इस, अगर और यहाँ अगर गरीब बच्चे तालीम हासिल करते थे, ये आपको भी मालूम है। और हम ये चाहते हैं कि ठीक है, लाइब्रेरी से जो कमेटी रही होगी उनसे कोई गलती हुई होगी, अब हम इसे अपने हाथ में लेकर पूरी तरह से हम बच्चों की तालीम के लिए इसे खोलना चाहते हैं। अतिक्रमण हटाना किसका काम है? अतिक्रमण हटाना शहर को, पूरे शहर में अतिक्रमण आप हटा रहे हो, पूरे शहर से अतिक्रमण NMC के जो जोन वाइज है, जोन कार्यालय है, वो अतिक्रमण हटा रही है। और नागपुर यहाँ जो अतिक्रमण हुआ उसका अतिक्रमण कौन हटाएंगा? लाइब्रेरी हटाएंगी? लाइब्रेरी के हाथ में ये ताकत दी क्या आपने? लाइब्रेरी के हाथ में पुलिस फोर्स है क्या? कमेटी के हाथ में कोई ताकत है कि वो आपका अतिक्रमण हटाए? बता कौन हटाएगा? ये तो बेवजह सवाल है, इसका जवाब आप भी दे सकते हो कि अतिक्रमण कौन हटाएगा? अतिक्रमण हटाने का काम सिर्फ और सिर्फ NMC का है, ना कि मुस्लिम लाइब्रेरी कमेटी का। मुस्लिम लाइब्रेरी बचाओ समिति कमेटी की तरफ से हम आपके सामने मुखातिब हैं। असल ये लाइब्रेरी जो है 13,500 स्क्वायर फीट में इसकी जगह थी जो लाइब्रेरी के लिए महानगर पालिका ने लीज पर दी थी, और उसमें कंडीशन ये थी, ये जगह असल में नजूल की थी, नजूल से कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुई है, कॉरपोरेशन ने इसको 3 टप्पे में लाइब्रेरी को लीज पर दिया, और वो लीज पर दिया, और लीज पर देने के बाद में लीज में कंडीशन ये थी कि आप इसको सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज़ करेंगे। और उसी एतबार से पुराने हमारे पूर्वज जो थे यहाँ पर, ख़ास करके जो पुराने पूर्वजों ने इसकी बुनियाद डाली, जिसके मेन कर्ता धर्ता जो थे उस वक्त के MLA यूसुफ शरीफ साहब थे, जिनके कोशिशों की वजह से ये लाइब्रेरी की जगह मिली। और उसके बाद में पहला रिन्यूअल उनका 30 से लेकर 2060 तक चलना था। कई बार इसके पहले के जो अहदेदार थे उन्होंने कई बार एप्लीकेशन की कि हमारी इस लीज़ को रिन्यूअल किया जाए, लेकिन ये रिन्यूअल महानगर पालिका ने नहीं की। और उसके बाद एक सन 60 के अंदर में एक रेजोल्यूशन का पास किया कि जितनी पुरानी लीज़ है उन तमाम को रिन्यू समझा जाए। उसके बाद भी हम लोग जो है कोशिश करते रहे, और यहाँ के पुराने लोगों ने भी बहुत कोशिश की, और कोशिश करने के बाद कई एप्लीकेशन दिए, और एप्लीकेशन देने के बाद में उसको उन्होंने रिन्यू किया नहीं, बल्कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल दिया गया कि यहाँ पर आप इसका जो इस्तेमाल है, आप इसका जो उपयोग है
वो आप कमर्शियल के लिए कर रहे हैं, जो ब्रिच ऑफ कंडीशन है यानी लीज की कंडीशन को आप जो है तोड़ रहे हैं, इसलिए हम ये वापस लेना चाहते हैं। और इस तरीके से कई नोटिस आए, यहाँ जो नई बॉडी 2012 में आई उनके साथ में हमने मिलकर इसको बचाया जाए, कोर्ट केसेस वगैरह भी किए, लेकिन कोई फायदा हुआ? सत्ताधारी वही है जिनके हाथ में सत्ता है और पॉलिटिक्स भी वही चल रहे हैं। इस अब बताइए कि ये सबसे बड़ी एक दुर्दैवी बात होगी कि ये लाइब्रेरी की जगह महानगर पालिका वापस लेगी और फिर ई लाइब्रेरी बनाएगी और उसको कमर्शियलाइज करेगी, यानी वो ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं होगा क्या? इसको ज़रा सोचा जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा सोचकर इस आंदोलन में हम तमाम को शरीक होना चाहिए। ये 1930 की बिल्डिंग है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसको बचाना हमारे लिए लाजमी है। लिहाजा हम सबसे गुजारिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों और होकर इस आंदोलन को कामयाब बनाने की कोशिश करें। क्या लापरवाही थी पुरानी लोगों की, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम फिर से एक बार ही कह रहे हैं, हमको पुराने लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम लाइब्रेरी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और लाइब्रेरी को वापस लेंगे। मुस्लिम लाइब्रेरी